कौन लगा रहा है राजस्थान में बार बार आग? कौन भड़का रहा है राजस्थान की जमीन पर दंगे? और कौन है इन दंगों का जिम्मेदार? राजस्थान को लेकर इस वक्त ये सवाल हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वहां पर माहौल क्यों बिगड़ रहा है। एक के बाद एक घटनाएं होती हैं राजस्थान में और पूरे देश में चर्चाएं होती हैं कि आखिर बार बार ऐसा राजस्थान में ही क्यों हो रहा है। क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था सरकार अपना सही से काम नहीं कर रही, या फिर राजस्थान की सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही, या फिर राजस्थान की सरकार कोई लापरवाही बरत रही है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है और इन दंगों के पीछे ये जो सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है इनके पीछे आखिर है कौन। नमस्कार, मैं राशिद अली और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। राजस्थान में एक महीने के अंदर एक के बाद एक कई घटनाएं हो जाती हैं। क्या है इन घटना का ताल्लुक, क्यों है और क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2023 में विधानसभा चुनाव पे जब असर पड़ेगा तो इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में पड़ना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र क्या ये सब राजस्थान में हो रहा है? सोचने वाली बात है। क्या इसीलिए राजस्थान का माहौल बिगाड़ा जा रहा है? मैं एक के बाद एक राजस्थान की कई घटनाएं आपको बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 घटनाएं राजस्थान के अलग अलग शहर में घटी हैं और ये किस ओर इशारा करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं करौली की, जहां राजस्थान में 2 अप्रैल को हिंसा होती है और हिंदू नववर्ष के अवसर पर बाइक रैली पर कथित तौर से पथराव किया जाता है। इस घटना को लेकर वहां सांप्रदायिक तनाव फैलता है, माहौल खराब होता है और 35 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। एक धारा 144 लगाई जाती है और इंटरनेट सेवा ठप की जाती है। इसके बाद घटना होती है अलवर में, जो कि 22 अप्रैल को बुलडोजर से मंदिर तोड़ने के बाद विवाद और गहरा जाता है। आपने YouTube पर वीडियो कई देखे होंगे जिसमें 300 साल पुराने मंदिर को कहा जा रहा था कि ये तोड़ दिया गया है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि MCD में जो मेयर हैं वो BJP के हैं और यहाँ से सड़क निकलनी है और इसी के लिए ये बिलडोजर की कार्रवाई की गई है। लेकिन वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया था खूब। और उसके बाद घटना होती है 2 मई को ईद के मौके पर जोधपुर की, जहाँ ईद और परशुराम जयंती एक साथ मनाई जाती है। वहाँ पर रैली निकलती है और जालोरी गेट पर झंडे और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गहरा जाता है। 2 दिन तक ये मामला पूरा चलता है और इस मामले में आपने देखा होगा कि राजस्थान पुलिस कैसे लोगों को शांत कराती है, लाठी चार्ज करती है, डंडे बरसाती है। और इस दौरान एक पुलिस वाले का भी वीडियो वायरल होता है जो खून से सना हुआ रुमाल अपने सर पर बांधता है, ये दिखाने के लिए कि लोगों ने भी हम पर हमला किया है, इसलिए कि पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। लेकिन बाद में उस पुलिस वाले का पर्दाफाश हुआ और राजस्थान पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। उसके बाद घटना आती है भीलवाड़ा की, जो कि 10 मई को हुई। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर में 22 साल के आदर्श की चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला जो होता है एक छोटी सी बात को लेकर होता है। परचून की दुकान पर कुछ लड़के होते हैं दूसरे समुदाय के और आदर्श की वो जान ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर तमाम राजनीतिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं, BJP के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इस मामले को राजनीतिकरण किया जाता है, इसे सांप्रदायिक बनाया जाता है और वहाँ पर माहौल बिगाड़ा जाता है। और अब ताज़ी घटना जो है वो हनुमानगढ़ की है। यहाँ पर एक स्थानीय जो कि BJP नेता हैं उन पर हमला हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के नेता सतवीर सहारण है इनका नाम, जो कि एक महिला की शिकायत पर मंदिर के पास कुछ लड़के बैठते थे और वो छेड़खानी करते थे। जब उनसे ये शिकायत करने गए या उनके पास बात करने गए तो उन लड़कों ने इस नेता पर हमला कर दिया और वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद वहाँ राजनीति शुरू होती है। VHP नेता, हिंदू संगठन के लोग, BHP के नेता, तमाम लोग आते हैं और मामले को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब ये सारी जो घटनाएं हैं इनके पीछे आखिर क्या रोल है,
या आपने देखा कि एक के बाद एक घटनाएं जो राजस्थान से आ रही हैं, आखिर क्या है ये घटनाएं, ये दंगे, ये सांप्रदायिक की घटनाएं बार बार हमें उत्तर प्रदेश में देखने को क्यों नहीं मिल रही, मध्य प्रदेश में देखने को क्यों नहीं मिल रही, गुजरात में देखने को क्यों नहीं मिल रही? सवाल बनता है, और सवाल इसलिए बनता है साहब क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान का ये इतिहास रहा है कि वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, और इसी सपने को लेकर क्या बीजेपी ये आस लगा रही है कि वो इस बार सत्ता में काबिज होगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में, और विधानसभा चुनाव में अगर कुछ सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार आती है, सरकार पलटती है, तो उसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। यही कारण है और इस लिहाज से इसको देखा जा रहा है, राजस्थान का माहौल खराब किया जा रहा है ताकि राजस्थान की सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा सके। वहां पर सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक माहौल इसलिए बिगाड़ा जा रहा है क्योंकि राजस्थान की सरकार को घेरा जा सके, और जो विपक्ष की पार्टी है वहां पर बीजेपी, वो ये चाहती है कि उनके हाथ में कोई मुद्दा आए, क्योंकि अभी तक वहां पर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और इसलिए एक के बाद एक घटनाएं करके पूरे राज्य का माहौल बिगाड़ना जा रहा है, ताकि इसलिए केवल सरकार को घेरा जाए और अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जाए। ऐसा और राज्यों में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? वहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में यह बार बार घटनाएं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन पर कड़ा एक्शन हो जाता है और यह दिखाया जाता है कि बीजेपी सरकार एक्शन के मोड में है, तुरंत बुलडोजर चलवा दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्यों किया जा रहा है? आखिर राजस्थान में माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल, ये जवाब लोगों को खुद सोचने चाहिए और लोगों को देखना चाहिए कि इन घटनाओं के पीछे आखिर कौन है। जो वहां के लोग हैं, राजस्थान की जनता है, उसको और देश की जनता को बखूबी ये मालूम होना चाहिए कि आखिर ऐसा वहां क्यों हो रहा है, और इसका सीधा सीधा नाता जो है वो अगले साल के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि देखा जाता है कि अमूमन ऐसी घटनाओं के पीछे यही मुद्दा होता है, हर मुद्दे के पीछे राजनीति होती है और राजनीति के पीछे हर एक मकसद होता है, और इन घटनाओं के पीछे भी यही मकसद है कि वहां पर माहौल बनाया जाए, माहौल बिगाड़ा जाए और कैसे वहां की सरकार को घेरा जाए। तो मेरी जनता से यही अपील है कि आप लोग देखिए, समझिए और राजनेताओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होइए और इस राजनीति के बारे में जानिए, देखिए कि आपके हित में कौन काम कर रहा है, कौन आपके प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहा है, कि किसको आपका प्रदेश अच्छा नहीं लग रहा, आखिर वहां की सरकारें आपके लिए क्या काम कर रही हैं और वहां की जो विपक्ष है वो आपके लिए क्या काम कर रहा है, ये आपको देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में ये आपके लिए और ज्यादा घातक, खतरनाक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी खास मुद्दे को लेकर।